हमारे देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आज हर देशवासी बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन सिमडेगा में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्रता सेनानी के नाम को मिटाकर सीधा अपमान किया जा रहा है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में खेल को बढ़ावा देने के लिए सिमडेगा के पूर्व उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा सिमडेगा के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जायका और SCA फंड से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की जिम्मेदारी विशेष प्रमंडल IEO और NREP को सौंपी गई थी। काम शुरू होने से पहले शिलान्यास शिलापट पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया। इसके बाद काम आगे बढ़ा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ चार दीवारी की गई और इस पर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा गया। यही नहीं, उद्घाटन के लिए बने शिलापट पर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंकित किया गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दीवार पर भी बड़े बड़े शब्दों में लिखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम नागवार गुजरा के ऊपर वाइटनर पेंट लगाकर नाम मिटा दिया गया। निर्माण एजेंसी की इस हरकत पर सिमडेगा के जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी काफी नाराज हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।